हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल ट्रेडिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम ऑप्शंस में ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं क्या, इंट्राडे में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं क्या। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन है, सपोज आपके पास धन में अकाउंट है तो धन में इंट्राडे में ऑप्शंस में ब्रैकेट ऑर्डर अलाउड है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क होता है। यहाँ पे मैंने धन का ऐप, मोबाइल का ऐप ओपन किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वॉचलिस्ट में जाता हूँ। तो वॉचलिस्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक 41,300 का पुट ऐड करके रखा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पुट है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड नॉर्मल, ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे, नॉर्मल मतलब लॉन्ग टर्म। तो इंट्राडे में यहाँ पे देखिए, ये मार्केट है, मार्केट लिमिट ट्रिगर एंड लास्ट का ऑप्शन है ब्रैकेट। तो ज़्यादातर सारे ब्रोकर्स में, जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग सब में ब्रैकेट ऑर्डर अभी अवेलेबल नहीं है, बट धन में ब्रैकेट ऑर्डर अवेलेबल है, वो भी ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो सपोज आपको धन में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, फ्रीली अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत ही टैक्स सेवी ब्रोकर है, सारे फ्यूचर्स इसमें अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, चार्ट से भी कर सकते हो। धीरे धीरे मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट किया। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट प्राइस डालना है, मतलब अभी 176 चल रहा है, मेरे को क्या चाहिए, 160 पे बाय होना चाहिए, और इसके साथ मेरे को स्टॉप लॉस भी लगाना है और टारगेट भी लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, टारगेट पूछ रहा है ये। तो यहाँ पे आप मैन्युअली पॉइंट्स में आपको एंटर करना है, ना कि प्राइस में। जैसे कि अभी मेरे को 50 पॉइंट का टारगेट लगाना है तो मैं 50 एंटर करूँगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 160 मेरा प्राइस है प्लस 50 पॉइंट, मतलब 210 रुपये का मेरा टारगेट लगेगा। ठीक है, सिमिलरली स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस में भी मैं क्या करूँगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो मेरा कितना 110 का स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस हम एंटर कर रहे हैं वो पॉइंट्स में यू एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ना कि प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज में भी दिखा रहा है। सपोज आपने कुछ एंटर नहीं करना है, सिर्फ आपको 2% का स्टॉप लॉस लगाना है, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके भी एंटर करता है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का ऐसे लगाता हूँ। ठीक है, और मेरा मैंने क्या किया है कि 160, जैसे 160 आएगा ये 50 का टारगेट और 50 का SL ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। मैं इंस्टेंट बाय करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरी ऑर्डर प्लेस हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ऑर्डर्स में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, ये ऑर्डर मेरी पेंडिंग है। तो जैसे ही 160 प्राइस आ जाएगी, ये पुट ऑप्शन बाय हो जाएगा, ठीक है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं इमीडिएटली इसको मॉडिफाई करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ और कितना प्राइस चल रहा है, 176, तो मैं 175 डालता हूँ, इंस्टेंट बाय। तो क्या हो जाएगा, मेरा ये एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे एक ट्रिगर पेंडिंग, एक नीचे लिमिट ऑर्डर लग गया। ट्रिगर पेंडिंग मतलब पहला जो है 112 का जो है वो मेरा SL है, और नीचे वाला जो 225 का है वो मेरा टारगेट है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने एक ही ऑर्डर पुश किया, एक साथ मेरे तीनों ऑर्डर प्लेस हो गए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो, जैसे कि आप स्काल्पिंग करते हो, किसी भी चीज़ में टारगेट एंड स्टॉप लॉस इम्पॉर्टेंट रहता है, तो ये बेनिफिट यहाँ से आप ले सकते हो। तो आपको ऑप्शंस में ब्रैकेट ऑर्डर के साथ ट्रेडिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप अकाउंट ओपन कीजिए और यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ट्रिगर पेंडिंग, जैसे ये स्टॉप लॉस आ जाएगा या टारगेट आ जाएगा, दोनों में से एक कोई तो एग्जीक्यूट होगा। आपको अभी देखना नहीं है, आपको स्क्रीन क्लोज करके आपका काम भी किया तो चलेगा। तो ऐसे ये एग्जीक्यूट होता है। सपोज आपको मॉडिफाई करना है कुछ चीज़ें, जैसे कि मेरे को अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, जैसे कि 112 नहीं चाहिए, मेरे को 130 चाहिए। तो यहाँ पे ये भी होता है, क्या हो रहा है ये, तो यहाँ पे देखिए, ये प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस दोनों एंटर करना पड़ता है। तो जो भी हमने प्राइस एंटर किया उससे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिगर प्राइस एंटर करना है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई हो गया है। टारगेट मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे जाके सिर्फ आपको ये लिमिट प्राइस जो है मेरे को 200 का लगाना है, तो ये अपडेट हो गया। ऐसे आप जो चाहिए टारगेट स्टॉप लॉस अपडेट कर सकते हो। ठीक है,
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ आपके डाउट्स रह गए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।